they organize and होल्ड इलेक्शन रैलीज एंड डोर टू डोर कैंपेन. अच्छा, हमने मैनिफेस्टो देखा कि मैनिफेस्टो क्या होता है, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले कुछ प्रॉमिसेस करती है, कुछ पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाती है पब्लिक से कि अगर आप हमें वोट करोगे, आप हमें गवर्नमेंट बनाने में हेल्प करोगे, आप हमें विन कर दोगे, तो हम हमारे ये सारे प्रोग्राम पॉलिसीज और प्रोमिसेस आपके लिए गवर्नमेंट में आने के बाद पूरा करेंगे. ये होता है मैनिफेस्टो. दे ऑर्गेनाइज एंड होल्ड इलेक्शन रैलीज एंड डोर टू डोर कैंपेन्स. जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो रैलीज हेल्ड करती है डोर टू डोर, यानी लोगों के घर घर जाकर उनसे वोट मांगते हैं. दीज आर डन टू स्प्रेड देयर एजेंडा ऑन गवर्नेंस एंड पॉलिसीज दे प्रोमिस टू इम्प्लीमेंट इफ इलेक्टेड द पावर. तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो क्यों होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉमिसेस, यानी हम क्या कर सकते हैं और अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिताने के लिए किए जाते हैं, अपनी प्रॉमिसेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी पावर एस्टिमेट करने के लिए. द पॉलिटिकल पार्टी हुज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इलेक्टेड इन मोर देन द अदर इज कॉल्ड द मेजॉरिटी पार्टी एंड दोज विद द लेसर नंबर ऑफ इलेक्टेड कैंडिडेट्स कॉल्ड माइनॉरिटी पार्टी. देखो, जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट्स विन करके गवर्नमेंट बनाती है उसे मेजॉरिटी पार्टी कहते हैं, और जो कम सीट से विन करती है, यानी गवर्नमेंट नहीं बना सकती लेकिन उसने सीट्स तो विन की है, कम की है लेकिन विन तो की है, तो उसे हम माइनॉरिटी कहते हैं. मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, माइनॉरिटी मतलब बहुत कम क्वांटिटी में. द मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म्स एंड रन द गवर्नमेंट एंड टेक बिग पॉलिसी डिसीजन. दे सिलेक्ट एंड अपॉइंट देयर मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट एज पर देयर नीड्स. दे प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री. अब जो मेजॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट बना चुकी है, अब वो अपनी बड़ी बड़ी जो पॉलिसीज थी अब उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेगी, यानी उनको प्रॉपर वे में काम करना शुरू करेगी अपनी पॉलिसीज पे, और वो मिनिस्टर अपॉइंट करेगी ताकि उसके जो प्रोमिसज हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसकी जो प्रोग्राम्स हैं वो अब कंट्री में लागू किए जाएं, कंट्री में हेल्ड किए जाएं, इम्प्लीमेंट किए जाएं, और वो इन मिनिस्टर्स के साथ मिलके कंट्री के लिए लॉज बना. द पॉलिटिकल पार्टी विच डज नॉट गेट मेजॉरिटी प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट. जो पार्टी मेजॉरिटी नहीं माइनॉरिटी कहलाती, यानी लेकिन उन्होंने सीट तो जीती है लेकिन गवर्नमेंट नहीं बना पाई वो, ठीक है, जितनी सीट्स ज़रूरत होती उतनी तो नहीं जीत पाई, यानी गवर्नमेंट नहीं बना पाई लेकिन जितनी सीटें विन की हैं, तो वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है. और अपोजिशन पार्टी विरोधी पार्टी होना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि मान लो अगर अपोजिशन पार्टी नहीं हो तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट है ना, जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट रन कर रही है वो अपनी मर्जी से काम करेगी. अपोजिशन पार्टी क्या करती है, कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा वर्क, कोई ऐसा बिल जो कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, सिटीजन्स के लिए, किसी रिलीजियस के लिए गलत हो, हार्मफुल हो, तो अपोजिशन पार्टी विरोध करती है, वो अगेंस्ट में आ जाती है कि ये बिल गलत है, ये नहीं होना चाहिए. तो क्या होता है, हम पर से वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अगर वो बिल या वो पॉलिसी पास हो गई तो हार्म हमें ही है, तो नुकसान हमारा ही होगा. तो अपोजिशन हमेशा होना ज़रूरी है. दे रेज क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट ऑन देयर फेलियर्स एंड रॉन्ग पॉलिसीज. अपोजिशन हमेशा गवर्नमेंट से क्वेश्चन करती है, भाई तुमने ये पॉलिसी क्यों बनाई, तुमने ऐसा काम क्यों किया, तुमने ये रॉन्ग डिसीजन क्यों लिया. दे शेप पब्लिक ओपिनियन एज दे रेज एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट इशू विच दे फील आर नॉट एक्सेप्ट अपॉन बाय द गवर्नमेंट. वो हमेशा इशूज़ पे अपने ओपिनियन और डिसीजन देती रहती है, गवर्नमेंट से क्वेश्चन करती रहती है, ताकि कुछ गलत डिसीजन ना ले लिया जाए गवर्नमेंट. कोलिएशन गवर्नमेंट,
अ पॉलिटिकल पार्टी गेटिंग द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इफ अ सिचुएशन अराइजेज दैट नो पॉलिटिकल पार्टी गेट इनफ मेंबर्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट देन अ फ्यू पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट सिंस दे हैड अनाउंस डिफरेंट पॉलिसीज एंड मैनिफेस्टो. देखो कोलिएशन गवर्नमेंट क्या है. अगर कोई पार्टी हमने क्या देखा मेजॉरिटी से जीतती है तो हम उसको मेजॉरिटी पार्टी कहते हैं. लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी नहीं बना पाती, ठीक है, यानी सीट्स इस तरह से विन होती है कि कुछ इसके पास कुछ इसके पास कुछ इसके पास कुछ उस पॉलिटिकल पार्टी इसके पास. अब क्या होगा, अब किसी के पास मेजॉरिटी सीट्स नहीं है तो ये आपस में दो चार छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ या बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ या बड़ी के साथ छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल जाती हैं और मिलकर फिर वो क्या हो जाती हैं, वो हो जाती है कोलिएशन, मर्ज हो जाती हैं. और मर्ज होने के बाद उनके पास वो सारी सीट्स आ जाती है जितनी गवर्नमेंट रन करने के लिए चाहिए. तो इसे कहते हैं हम कोलिएशन गवर्नमेंट, जहाँ पर एक से ज़्यादा पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट रन करती है उसे कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं. अब कोलिएशन गवर्नमेंट में क्या होता है, दे हैड अनाउंस डिफरेंट पॉलिसीज एंड मैनिफेस्टो टू द पीपल बिफोर इलेक्टिंग. दे यूजुअली कंसल्ट ईच अदर एंड कम टू अ कंसेंसस ऑन हाउ टू रन द गवर्नमेंट एंड विच पॉलिसीज टू इम्प्लीमेंट. क्योंकि अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी एक साथ गवर्नमेंट रन कर रही है तो इन्होंने इलेक्शन में सबके अपने अपने अलग मैनिफेस्टोज होंगे, अलग पॉलिसीज प्रोग्राम प्रोमिसज होंगे. तो ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए. तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ भी करने से पहले आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या लॉज बनाने चाहिए, क्या प्रोग्राम्स हेल्ड करने चाहिए. तो डिसीजन डिस्कस करके डिसीजन लिया जाता है. सम पॉलिटिकल पार्टीज हु आर अनेबल टू जॉइन द गवर्नमेंट ड्यू टू डिफरेंसेज ऑन इशूज में चूज टू सपोर्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड. This means they do not join the government and do not take up any ministerial appointments but retain their independence to support or not support the policies of the government. कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ political parties government मिला के coalition तो बना लेती है लेकिन वो government issues में meetings में join नहीं हो पाती उनके कुछ अलग issues की वजह से. तो क्या करते हैं, वो बाहर रहते हुए ही सपोर्ट करते हैं और उनके बिहाफ अदर पार्टीज जो होती है वो गवर्नमेंट रन करती है. द कोलिएशन गवर्नमेंट इज दस वीकर एज इट डज नॉट इंजॉय अ मेजॉरिटी एंड इट पॉलिसीज एंड डिसीजन आर डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंसस एंड सपोर्ट ऑफ द पार्टीज इन द कोलिएशन. देखो क्या होता है, अलग अलग पार्टीज हैं, जब डिस्कशन का वक्त आता है तो ज़रूरी नहीं वो सारी पार्टीज़ को एक पॉलिसी एक प्रोग्राम एक डिसीजन सही लगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं. कोई पार्टी कहेगी कि नहीं ये सही नहीं, ये पॉलिसी सही नहीं, कोई पार्टी कहेगी ये पॉलिसी बिल्कुल सही है. तो ये क्या देखते हैं हम कि एक दूसरे का सपोर्ट एक दूसरे में डिस्कशन करने का ये तरीका बदल जाता है और किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, आपस में टकराव हो जाते. द पॉलिटिकल पार्टी दैट इज इन मेजॉरिटी और द कोलिएशन पार्टी इन मेजॉरिटी इलेक्ट द लीडर्स हु एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड चीफ मिनिस्टर एंड एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल इज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर. हम चाहे मेजॉरिटी पार्टी देखें चाहे कोलिएशन गवर्नमेंट देखें, अगर स्टेट पे है तो उसे अपनी पार्टी में से किसी एक मेंबर को स्टेट पे चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा और सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा. द प्राइम मिनिस्टर इज दस द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड रन द गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु हैड वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट रन करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ उनकी हेल्प से, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो वेरियस डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट सैनिटेशन डिपार्टमेंट रेलवे डिपार्टमेंट टेक्सटाइल डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट. तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इनके हेड बना दिए जाते हैं और इन्हीं की हेल्प से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट रन करते हैं. तो ये जो लेट्स चेक है
ये आप लोगों का होमवर्क है। जितने भी लेट्स चेक आते जाएंगे टेक्स्ट बुक में, वो सारे आपको एज इट इज़ आपके होमवर्क के अकॉर्डिंग फेयर नोटबुक में करने हैं। क्लियर? फेयर नोटबुक में या तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लेट्स चेक करेंगे या चैप्टर एंड होने के बाद लेट्स चेक करेंगे, बट फेयर नोटबुक में कंपलसरी है ये लेट्स चेक का होना। ओके, थैंक यू।